नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राजगिरी के आटे की पुड़ी बनाना सिखाऊंगी, जिसे हम नवरात्रों में या एकादशी के उपवास में खा सकते हैं। इस पुड़ी के साथ मैं आलू का रायता बनाऊंगी। जरूरी नहीं कि इसे आप उपवास में खाएं, इसे आप नॉर्मल डे में भी बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि यह खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए बनाते हैं राजगिरी की पुड़ी। राजगिरे की पुड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए राजगिरे का आटा, जो मैंने 300 ग्राम लिया है। 6 मध्यम आकार के आलू है, 2 कटी हुई हरी मिर्च है। यदि हरी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप एक भी ले सकते हैं। 1 इंच अदरक को मैंने कद्दूकस करके घिस लिया है, और धनिया, कटा हुआ धनिया धोकर साफ कर मैंने काट लिया है, और आधी चम्मच ये मैंने काली मिर्च है जिसे मैंने दरदरा पीसा है, और 1 चम्मच सेंधा नमक है। सबसे पहले हम एक परात लेंगे और इसमें जो हमारे उबले हुए आलू हैं इन्हें एक मैशर की सहायता से बिल्कुल मैश कर लेंगे। आलू को आपको अच्छी तरह मैश कर लेना है, जिससे कि हमारी पुड़िया अच्छी फूले। आलू मैंने अच्छी तरह मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें ये जो राजगिरा का आटा है ये डाल रहे हैं। ये 300 ग्राम आटा मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च, सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक और कटा हुआ हरा धनिया, इन सभी सामग्री को अब हम हाथों की सहायता से अच्छी तरह मिलाएंगे। इन सभी सामग्री को मैं अच्छी तरह मिला लूंगी। वैसे तो इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, जो उबले हुए आलू होते हैं उसकी सहायता से ही इसका आटा गूंदा जा सकता है। लेकिन यदि आपको आटा सूखा लगे तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पानी बिल्कुल थोड़ा लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा पानी छोड़ भी देता है नमक डालने के कारण, जिसकी वजह से आटा हमारा नरम पड़ जाता है। देखिए, ये जो राजगिरे का पुड़ी का आटा है ये हमारा गूंदकर तैयार है। सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात यही है कि आपको इसमें पानी बिल्कुल कम से कम डालना है। आटा गूंदने के बाद मैं गैस पर कढ़ाई रखूंगी, और इसमें जो भी तेल आप यूज करते हैं, वैसे व्रत में मूंगफली का तेल यूज किया जाता है या फिर घी, मैं इसमें मूंगफली का तेल डाल रही हूँ। ये देखिए, अब हम तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जितने हमारा तेल गर्म होता है हम इस आटे की लोई बना लेते हैं। जिस आकार की आप पूड़ी बनाना चाहते हैं उसी आकार की लोई बना लीजिए। के लिए आप इस तरीके की पॉलीथीन है, इसे चौकोर काट लीजिए छोटे आकार में, और इसे चकले पर रखकर इसके ऊपर हम एक लोई रखेंगे और इसके ऊपर दूसरी पॉलीथीन रखेंगे। या तो आप इसे बेलन की सहायता से बेल सकते हैं, और यदि आपके पास रोटी बेलने वाली मशीन है तो आप इसकी सहायता से भी इसे बेल सकते हैं। ये देखिए मैं किस तरह से इसकी पूड़ी बेल रही हूँ। ये देखिए हमारी इसमें कितनी बढ़िया पूड़ी बिलकर तैयार हो चुकी है। यदि आप चाहें तो बेलन की सहायता से भी इसे बेल सकते हैं। और अब इस पूड़ी को मैं इस पॉलीथीन पर से हटाकर तेल में डालूंगी, क्योंकि तेल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए इस तरह से अब हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपको ये पूड़ी बनानी है, और एक एक करके सभी पूड़ियाँ हम इस तेल में तल लेंगे। आप देख रहे हैं पूड़ी हमारी थोड़ी थोड़ी लाल होने लगी है। अब हम इसे पलट देंगे और थोड़ा सा लाल होने तक फ्राई करेंगे। यदि आपको लगे कि लोई हमारी पॉलीथीन पर चिपक रही है तो आप इस पर थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं, तेल या घी जो भी आपको लगाना है, और उसके बाद में आप इसे इस तरह से हाथों की सहायता से भी दबाकर पूड़ी बना सकते हैं। ये देखिए मैं हाथों से पूड़ी बना रही हूँ, हाथों की सहायता से भी पूड़ी अच्छी बनी। और इसे भी मैं इस तेल में डाल रही हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया
हमारी पूड़ी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह से किनारे से लगाकर हम इस पूड़ी को निकाल लेंगे। हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और ये पॉलीथीन का टुकड़ा है इसके ऊपर दूसरी पॉलीथीन मैं रख रही हूँ और हाथों से हल्का सा मैं इसे दबाऊंगी। इसे बेलने के लिए हमें कोई बेलन की आवश्यकता नहीं है, हाथों से हल्का सा दबाकर हम इसे पूड़ी का आकार देंगे और तेल में डालेंगे। ये देखिए हाथों से दबाई हुई पूड़ी कितनी बढ़िया हमारी फूल रही है एक एक करके। आप कढ़ाई में एक साथ ज़्यादा पूड़ियाँ भी मत डालिएगा वरना पूड़ी फूलने में प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे करके थोड़ी लाल हो जाए तब आपको पलट देना है और इस तरह से एक एक करके हमें सभी पूड़ियाँ निकाल लेनी है। ये देखिए ये वाली पूड़ी हमारी लाल हो चुकी है तो हम धीरे से इसे किनारे से लगाते हुए एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए रायता बनाने के लिए ये 250 ग्राम दही है इसे मैंने ब्लेंडर से फेंट लिया है और अब मैं इसमें ये जो आलू मैंने चौकोर टुकड़ों में काट कर रखे हैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। भुना हुआ जीरा, पुदीना पाउडर, सेंधा नमक, ये देखिए सेंधा नमक और ये जो काली मिर्चा पाउडर है वो इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी डाल दीजिए और ये देखिए ये हमारा रायता तैयार है। गर्मा गर्म पूड़ियों को इस रायते के साथ सर्व कीजिए।